दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल नागियास लर्निंग अड्डा पर। जैसे कि बात कर रहे थे हम आरटी की विभिन्न धाराओं की, तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं फिर धाराओं की। जो आरटीई की धाराएं हैं, आरटीई इट मीन्स राइट टू एजुकेशन, हमारा ये टॉपिक चल रहा है, इसकी ये क्लास नंबर 4 है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन यानी कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात कर रहे हैं। हमने इस टॉपिक में विभिन्न धाराओं की बात करनी थी और टोटल जैसे कि इस अधिनियम की 38 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं, और धारा एक से लेकर 10 तक धाराएं मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि इस अधिनियम की एक धारा में क्या लिखा हुआ है, धारा नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। ऐसे मैंने 10 तक आपको सभी धाराओं से अवगत करा दिया था। आज की इस क्लास में हम धारा नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं कि धारा नंबर जो 11 है उसमें क्या कहा गया है। तो यहां से अपन स्टार्ट करने वाले हैं धारा नंबर 11। प्रत्येक धारा में कोई ना कोई एक बात इस अधिनियम से रिलेटेड लिखी हुई है, उसी बात की डिस्कशन अपन लोग कर रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, जिसमें हमने धारा 1 से 10 धाराओं का उल्लेख किया है। और उससे भी पहले की क्लासेस की बात करें तो इसका बेसिक कहाँ से आरटीई की शुरुआत हुई, कब ये लागू हुआ, ये तमाम बातें पिछले कुछ वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में फिर हम धाराओं की बात कर रहे हैं, धाराओं से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो धारा नंबर 11 की बात कर रहे हैं। दोस्तों धारा नंबर 11 में कहा गया कि 3 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष की आयु के बालकों के लिए सरकार निःशुल्क और विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए भी व्यवस्था करेगी। यानी कि 3 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष की आयु के बालकों के लिए जो हम बोलते हैं ना प्री स्कूल, पूर्व विद्यालय, जिसके तहत हम कह सकते हैं आंगनवाड़ी, जैसे हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो नर्सरी, प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लासेस हैं, पूर्व विद्यालय की बात यहाँ पर धारा नंबर 11 में की गई है। धारा 11 में पूर्व विद्यालय की बात कही गई है, यानी कि 6 वर्ष की आयु के, या 3 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष की आयु के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क और पूर्व शिक्षा के लिए भी व्यवस्था करेगी सरकार। पूर्व विद्यालय, विद्यालय जाने से पूर्व मतलब कक्षा एक में प्रवेश लेने से पहले बालक जो है अपनी पूर्व विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करेगा, और वो कहाँ प्राप्त करेगा, वो आंगनवाड़ी में प्राप्त करेगा। तो इसका उल्लेख हमारी धारा नंबर 11 में दिया गया है। और इसके लिए भी जो है प्राथमिक शिक्षा हेतु वह बालक योग्य हो सके, इसको योग्य बनाने के लिए इस दिशा में इसमें काम किया जाएगा। और उसके बाद धारा नंबर 12 की बात करते हैं। धारा नंबर 12 में क्या कहा गया है, इसके तहत ये कहा गया है कि स्कूल और अध्यापकों के कुछ उत्तरदायित्व होंगे। किसके? स्कूल के और अध्यापक के। आप मोटी मोटी बात याद रख लो, स्कूल व अध्यापकों के उत्तरदायित्व, स्कूल व अध्यापकों के उत्तरदायित्व, ये किस धारा में कहे गए हैं? ये धारा नंबर 12 की बात है कि स्कूल और अध्यापकों के जो उत्तरदायित्व हैं उनका उल्लेख धारा इस आरटीई की धारा 12 के तहत किया गया है। अच्छा, धारा नंबर 13 में क्या बात कही गई है? अच्छा, इसी धारा 12 में स्कूल और अध्यापकों के उत्तरदायित्व में एक बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्राइवेट स्कूल जो है वहां पर 25% सीटों का जो है वो आरक्षण रहेगा। यानी कि गरीब मजदूरों के बच्चों को, यहाँ पर जो गरीब तबका है वहां के जो बच्चे हैं, उन लोगों के जो बच्चे हैं, 25% सीटों का आरक्षण होगा उनके लिए। और ये प्रावधान प्राइवेट स्कूलों के लिए है, प्राइवेट स्कूलों को अपने यहाँ पर 25% जो है गरीब के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये भी धारा नंबर 12 में बात की गई है। प्रत्येक स्कूल और अध्यापक का ये दायित्व होगा, स्कूल का भी दायित्व होगा कि वो अपने यहाँ जितनी भी उसकी सीटें उपलब्ध हैं उनमें से 25% सीटें जो है उसका बाकायदा समाचार पत्रों में विज्ञापन देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ 25% एडमिशन गरीब मजदूर बच्चों के दिया जाता है, और उन्हीं बच्चों को वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। जिसकी फीस जो है विद्यालय नहीं लेगा, और लेगा तो उसके लिए अलग एक धारा में बात कही गई है, धारा नंबर 13 में। अगर वो उन 25%
बच्चों से फीस लेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जितनी फीस ली है उसका 10 गुना फीस का जुर्माना लगाया जाएगा, मान्यता आदि रद्द करने का भी प्रावधान इसके तहत हो सकता है। तो ये 25% जो सीटों का आरक्षण है ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये जो है धारा नंबर 12 में कही गई है, और धारा नंबर 12 में स्कूल और अध्यापकों के उत्तरदायित्व भी हैं। धारा नंबर 13 में अगर ये 25% बच्चों को एडमिशन देते हैं स्कूल और उनसे अगर किसी प्रकार की फीस वसूल करते हैं, किसी प्रकार की अगर फीस वसूल करते हैं तो ये ऐसा नहीं कर सकते, फीस वसूल पर रोक रहेगी। कौन से बच्चों से? जो ये 25% बच्चे जो हैं इनसे फीस वसूल लेने पर पाबंदी रहेगी। ये किसके लिए है? स्कूलों के लिए। जो प्राइवेट स्कूलों में 25% बच्चे पढ़ेंगे, गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ेंगे, वहां पर अगर वो उनसे फीस लेते हैं तो ये फीस वसूली पर रोक होगी। अगर ऐसा कोई स्कूल करता है तो उसको 10 गुना पेनल्टी लगाई जाएगा, फीस का 10 गुना पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है जी, ये धारा नंबर 13 हो गई। अब धारा नंबर 14 में क्या बात कही गई है, मैं आपको फिर आज केवल 10 धाराएं बताने वाला हूं। धारा नंबर 1 से 10 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इस क्लास में हम धारा नंबर जो है 11 से 20 का उल्लेख कर रहे हैं, तो इसी क्रम में धारा नंबर 14। धारा नंबर 14 में क्या है कि मान लो आयु का कोई सबूत बालक के पास नहीं है, आयु का सबूत, आयु का जैसे उसका जन्म प्रमाण पत्र वगैरह नहीं है, आयु का सबूत ना होने पर भी प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता, प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ये धारा नंबर 14 में बात कही गई है। मान लो कि कोई बच्चा, अब ये कानून कहता, आरटीई कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। मान लो कि उस बच्चे के पास आयु का कोई प्रूफ ही नहीं है, तब क्या स्कूल उसको मना कर सकता है कि जा भैया तेरा वो आयु प्रमाण पत्र लेके आ, जन्म प्रमाण पत्र लेके आ। अगर उस बच्चे के पास नहीं है तो भी विद्यालय उसको प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता, ये धारा नंबर 14 में बात कही गई है। उसके बाद आती है धारा 15। अब धारा नंबर 15 में क्या बात कही गई है उसको अपन समझते हैं। धारा नंबर 15 में ये कहा गया कि बालक शैक्षण सत्र के प्रारंभ में विहित समय में कभी भी प्रवेश ले सकता है। बालक जो है, बालक कभी भी शाला में प्रवेश ले सकता है, बालक कभी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकता है, विद्यालय में प्रवेश ले सकता है, कभी भी विद्यालय में बालक प्रवेश ले सकता है। इसके लिए कोई विद्यालय उसको मना नहीं कर सकता कि भाई एडमिशन बंद हो चुके हैं, ये तो अप्रैल में होते हैं, मई में होते हैं, जून में होते हैं, जुलाई में होते हैं, इस तरह का बहानेबाजी कोई विद्यालय बालक के साथ नहीं कर सकता। बालक जब चाहे विद्यालय में प्रवेश ले सकता है, चाहे वो नवंबर दिसंबर में भी आके प्रवेश मांगेगा तो उसको विद्यालय को प्रवेश देना होगा। ये बात भी राइट टू एजुकेशन में कही गई है। और कौन सी धारा में कही गई है? धारा नंबर 15 में ये बात कही गई है। उसके बाद आते हैं हम धारा नंबर 16 में, कि 16 नंबर धारा में क्या कहा गया है कि बालक को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक फेल नहीं किया जा सकता। नो फेल, नो फेल। कब तक फेल नहीं किया जा सकता? जब जब तक बालक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होती, जब तक बालक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होती, जब तक बालक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होती है तो कोई भी विद्यालय उसको फेल नहीं कर सकता। बट यहां पर दोस्तों आपको एक बात समझनी होगी, यहां पर मैं नोट डालकर इस बात को अलग से बताता हूं। ये ठीक है कि आरटीई में, राइट टू एजुकेशन में ये कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बालक को फेल नहीं किया जा सकता, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक बालक को फेल नहीं किया जा सकता। ये आरटीई, राइट टू एजुकेशन में बात कही गई थी। लेकिन राजस्थान में 17 सितंबर 2015 को, कब ये डेट याद रखनी है आपको, कि 17 सितंबर 2015 को कहां पर? राजस्थान में, राजस्थान में इस अधिनियम में थोड़ा सा संशोधन किया था, अनिवार्य और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन किया था,
और 2015 में इस कानून को पारित भी किया था। इसमें जो है आरटीई एक्ट की जो धारा 16 है, धारा 16, इसी धारा की बात कर रहे हैं हम। धारा 16 जो है इसमें संशोधन किया गया है और एक क्लोज जोड़ा गया है, एक क्लोज जोड़ा गया है और क्लोज थर्ड जोड़ा गया है, क्लोज थर्ड। इस क्लोज में ये कहा गया है कि अगर बालक जो है कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो उसका दिया गया टारगेट पूरा नहीं कर पाता है, पाठ्यक्रम को अच्छे से नहीं कर पाता है, तो भैया उसको फेल भी किया जा सकता है, उसको फेल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इस कानून में संशोधन किया है, किसने किया है? राजस्थान ने किया है। आरटीई की जो धारा 16 कहती है कि बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक फेल नहीं किया जा सकता, वहां पर 17 सितंबर 2015 को राजस्थान में इस कानून में संशोधन हुआ है और ये कहा गया है कि अगर बालक दिए गए कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है, दिए गए लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाता है, तो उसको जो है 8वीं तक का कभी भी फेल किया जा सकता है। इस स्थिति में उसको अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा और उसको वहीं फेल किया जाता है। और एक चीज और बता दूं, ऐसा निर्णय करने वाला राजस्थान भारत का एकमात्र राज्य है या पहला राज्य है। राजस्थान पहला राज्य है, पहला राज्य है जिसने इस टाइप का संशोधन, इस टाइप का निर्णय जो है वो लिया है। ये धारा नंबर 16 में संशोधन हुआ है क्लोज 3 के अंदर। इस तरह से ये बात भी मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है यहाँ कर, आपको इस बात को भी याद रखना है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं धारा नंबर 17 की। धारा नंबर में इसी पेज में सारी धाराएं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर धारा नंबर 17 कहती है कि नो पनिशमेंट, नो पनिशमेंट, यानी कि धारा नंबर 17 में कहा जाता है कि बालक को दंड नहीं दिया जा सकता। अब ये दंड जो है ना तो शारीरिक दिया सकता है ना मानसिक, ना शारीरिक दंड दिया जा सकता है बालक को, ना जो है मानसिक दंड दिया जा सकता है, ना मानसिक ना शारीरिक। ये धारा नंबर 17 में कहा गया है कि बालक को कोई किसी टाइप का पनिशमेंट नहीं देना है। बालक अगर दिए गए कार्य को भी पूर्ण नहीं कर पा रहा है तो उसको किसी प्रकार का शारीरिक या मान्य जो है मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इसी पेज में बताऊंगा पूरी बात आपको, कुछ बातें जो है मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे अरे भैया तो कहाँ गया ये, इसको थोड़ा सा हटाकर मैं यहाँ बता देता हूँ। अब क्योंकि 17 धाराएं होगी, 3 धाराएं और हैं छोटी छोटी, वो बातें हैं तो मैं आपको यही बता देता हूँ। ठीक है, तो धारा नंबर 18, अब ऊपर चलते हैं अपने थोड़ा सा ना। धारा नंबर 18 में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि बिना मान्यता के स्कूल नहीं चल सकता, बिना मान्यता के स्कूल नहीं चल सकता, स्कूल नहीं चल सकता। अगर बिना मान्यता के कोई स्कूल पाया गया तो इस प्रावधान में यह कहा गया है कि पहली बार अगर वो स्कूल या वो जो स्कूल का मालिक है इस बात का उल्लंघन करता है तो उसको 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। अगर कोई व्यक्ति बिना मान्यता के स्कूल चलाता है तो उसको 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से या फिर 1 लाख, पहली बार में तो 1 लाख रुपये उस पर जुर्माना लगेगा, और वो 1 लाख रुपये जुर्माना नहीं रखता है, उपलब्ध नहीं करवाता है, तो उसके बाद 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना लगेगा अगर बिना मान्यता कोई स्कूल चलाया जाता है। तो उसके बाद धारा 19 में क्या बात कही गई है? धारा 19 में ये बात कही गई है कि विद्यालयों को आरटी के द्वारा निर्देशित मानकों के तहत संचालित करना होगा। आरटीई के जो मानक हैं, आरटीई के मानक मानने पड़ेंगे, ये धारा 19 में कहा गया है। अगर ऐसा नहीं करेगा कोई स्कूल तो उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा, मान्यता रद्द कर दी जाएगी उस विद्यालय की अगर आरटीई के मानकों के तहत विद्यालय नहीं चलता है तो।
उसके बाद दोस्तों अगली जो धाराएं हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज की इस क्लास में इस पेज पे इतनी जगह है, तो अपन आगे धारा 20 तक की बात करने वाले थे अपन, लेकिन अपन बाकी धाराओं की बात आगे करेंगे। धारा 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर एसएमसी की बात की गई है। एसएमसी के लिए मैं आपको अलग से पूरी एक क्लास दूंगा। पूरी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है एसएमसी, उसके ऊपर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या एसएमसी में होना चाहिए, वो सारी बातें अपन अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, हमें आरटीई की टोटल 38 धाराएं पढ़नी हैं, 1 से लेकर 10 धाराएं मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। आरटीई की 11 से 19 धाराएं मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। धारा नंबर 11 में पूर्व विद्यालय, यानी कि बालक जब पहली कक्षा में एडमिशन लेता है तो उससे पहले जो पूर्व विद्यालय है उसकी व्यवस्था भी राज्य सरकार को करनी पड़ेगी। और स्कूल और अध्यापकों के उत्तरदायित्व धारा नंबर 12 में है, यही 25% सीटों का आरक्षण की भी बात कही गई है जो प्राइवेट स्कूलों को उपलब्ध कराने होंगे। धारा नंबर 13 में फीस वसूली पर रोक कही गई है, और जो 25% जो प्राइवेट स्कूलों को एडमिशन करने हैं बच्चों को, अगर वो फीस लेते हैं तो 10 गुना पेनल्टी उनसे ली जाएगी। धारा नंबर 14 ये कहती है कि आयु का सबूत ना होने पर भी, आयु का कोई प्रूफ ना होने पर भी आप बालक को एडमिशन देना ही होगा, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर उस स्कूल पर कार्यवाही होगी। और धारा नंबर 15 में बालक कभी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकता है, पूरे साल के दौरान बालक कभी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकता है, उसको मना नहीं कर सकते। धारा नंबर 16 में उसको फेल नहीं किया जा सकता, ये कहा गया है प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक। लेकिन 17 सितंबर 2015 में आरटी में एक थोड़ा सा बदलाव किया है राजस्थान ने, धारा नंबर 16 के क्लोज 3 में, और ये कहा गया कि बालक अगर 8वीं तक से उसके दिए गए टारगेट को पूरा नहीं कर पाता है तो उसको फेल किया जा सकता है, और ऐसा निर्णय लेने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। धारा नंबर 17 में कहा गया है कि बालक को कोई भी शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। धारा नंबर 18 में ये कहा गया कि बिना मान्यता के विद्यालय नहीं चलाया जा सकता, अगर ऐसा करता हुआ कोई विद्यालय पाया गया तो उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा, और जुर्माना नहीं देगा निश्चित समय अवधि में तो उसको फिर 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से और जुर्माना लगेगा। धारा नंबर 19 में आरटी के मानकों की बात की गई है, आरटी के मानक जो हैं उनके हिसाब से विद्यालय को चलाना होगा, अगर ऐसा नहीं करता है कोई विद्यालय तो उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताएं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, धारा नंबर 20 से हम कंटिन्यू करेंगे, और याद रखिए अपने को टोटल 38 धाराएं पढ़नी है, और धारा नंबर 21 में जो एसएमसी की बात कही गई है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसके लिए अपन एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे। तो एंजॉय कीजिए, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।